डांसर निदा चौधरी जौहर टाउन लाहौर में रहती है। डांसर भांजी अर्श चौधरी ने इस्तकबाल किया। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। वैसा आप? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, 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 बिल्कुल आप ठीक देख रही हैं। ये आप कुत्ते को साथ सुलाती हैं? इंसान से ज्यादा जानवर वफादार है, इसलिए जानवर को ज्यादा प्यार करती हूँ। 300 ड्रामे और 25 पाकिस्तानी फिल्में, मगर आज तक आपकी शोहरत एक अदाकारा की बजाय एक डांसर की क्यों है? मैं ज्यादातर डांस और इस चीज को ज्यादा लाइक करती हूँ। इंशाल्लाह ताला अनकरीब आर्टिस्ट भी अच्छी बनूंगी। आपका पैदाइशी नाम तो निदा चौधरी नहीं होगा, क्या नया नाम किसी नजूमी के कहने पर रखा? नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बचपन का नाम सायरा था। नून से जो बनता है ना नाम, वो मेरे लिए वाकई बहुत लकी है। और नाम के साथ चौधरी कैसे लगा लिया? चौधरी रखने से बहुत इज्जत मिली और बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी टांग पर नजर आने वाला टैटू असली है या फिर आरजी? एक्चुअली मेरी एक दोस्त थी तो वो करवा रही थी और मुझे कहती पहले तुम करवाओ। मैं कह नहीं नहीं, देखते देखते मैंने भी बनवा लिया। तकलीफ तो बहुत हुई होगी? जी, जब मैंने ये टैटू करवाया था बहुत तकलीफ हुई थी। पड़ोसी मुल्क के अदाकार और अदाकाराएं बहुत पढ़ी लिखी लगती हैं। आपकी तालीम कितनी है? बस मिडिल क्लास। सिर्फ मिडिल तक पढ़ी है? जी। अगर कभी बाहर जाना पड़े तो अंग्रेजी बोलने में मसला तो होता होगा? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। शोबिज में काम मिलना आसान नहीं होता, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। क्या आप भी इन मराहिल से गुजरी? एकदम में जो सुपरस्टार बनने चाहती है ना, उनको साथ ऐसा प्रॉब्लम आती होगी। जो इंसान मेहनत करता है उनके साथ ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मर्दों के मुआशरे में हर कोई बुरी नजर रखता है, उससे बचने की क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है? ये तो है, जब ये शोबिज़ में आर्टिस्ट आती है वो खुद एक मर्द बनकर आती है। जब आप लड़की बनकर आएंगी तो फिर आप आगे नहीं आ सकते। आपने रक्स का आगाज कब और कहां से किया? एक्चुअली पहले सबसे पहले मैंने फैसलाबाद पहला ड्रामा मैंने किया। पहले मैं गेटो गैदरिंग फंक्शन करती थी। अक्सर लड़कियां कहती हैं कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये तो गलत बात है। हाँ, पहले शुरुआत मैंने गेटो गैदरिंग फंक्शन की है। इसे आम जुबान में मुजरा ही कहते हैं। जो भी है, मगर वो भी मेहनत का काम है। स्टेज पर तो आप एक डांस करते हैं, दो गाने करते हैं, वहाँ तो साइड साइड डांस करना पड़ता है, वो ज़्यादा मेहनत वाला काम है। फिल्म डर्टी गर्ल में आपका किरदार बहुत बोल्ड था, स्टेज पर भी कई बार पाबंदी लगी, क्या इस तरीके से शोहरत मिलती है या फिर पैसा? बदनाम नहीं होगे तो नाम नहीं होगा, इसी तरह सब करते हैं, इसी तरह आगे आते हैं। इतना इंसान शरीफ बन के कहे तो मैं आगे आ जाऊँ, ऐसे तो होता ही नहीं है, कुछ करके ही आगे आता है। हेलो टिंकू, टिंकू इधर आओ। पारू, ये तोता कहाँ से लिया? ये मैंने ट्विंटर मार्केट से लिया। कीमत कितनी है? यही कुछ 70,000। पाकिस्तानी तोता तो नहीं लगता? ये ऑस्ट्रेलियन तोता है। सिक्योरिटी गार्ड्स के हिसार में घर से रवाना हुई। वक्त मिले तो एक्सरसाइज करने जिम जाती है। वापस पहुंची। डांस डायरेक्टर अमजद अजीज ने रिहर्सल करवाई।
ये फनूज है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है इस वजह से कि इसमें म्यूज़िक है, कि फनूज में भी म्यूज़िक, हर चीज़ में म्यूज़िक मैं बहुत लाइक करती हूँ। बुर्का पहनकर घर से रवाना हुई, वालदा की कब्र पर फातिहा खानी करने कब्रिस्तान पहुंची। हर माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है, आपकी वालदा का आप पर कितना असर है? माँ थी तो सब कुछ था, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे लगता है दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है, मगर क्या करे, ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, वो तो जीनी पड़नी है। मेरा तो दिल करता था मेरी माँ नहीं है, मैं भी नहीं दुनिया में रहूँ, मगर नहीं। आप अपने वालदैन से और अपने बहन भाइयों से शुरू से अलग रहती हैं, क्यों? मैं शोबिज़ में हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बहन भाइयों को कुछ भी शोबिज़ का असर पड़े, मैं बुरी सोहबत नहीं देना चाहती अपनी फैमिली को। कहते हैं कि आजकल पाकिस्तान में फिल्म से ज़्यादा स्टेज में पैसे मिलते हैं, आपको 14 दिन के कितने पैसे मिलते हैं? 5 लाख। 70-80 लाख की नई प्रेडो, बेहतरीन घर, अच्छा खाना पीना, ये सारा कुछ इतने पैसों से तो मुमकिन नहीं। क्या अब भी प्राइवेट फंक्शंस करती हैं, मुजरे कर लेती हैं? जी नहीं, जब मैं स्टेज पर आई मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं ये बाहर के शोज़ करती हूँ, मैं लंदन गई हूँ, 4-5 बार यूरोप गई हूँ, बाहर कंट्री शो करने जाती हूँ तो काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा ये चीज़ें फोटो हो जाती है, ये चीज़ें ले लेती हूँ मैं। शाह आलम मार्केट आई, केले से भटूरे खाए। जब मैं बचपन में इधर आकर भटूरे खाती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, और ये जब मैं आती हूँ और यहाँ से खा कर जाती हूँ और जब मंगवा लेती हूँ, ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। खोए वाली कुल्फी खाकर बचपन को याद किया, अंदरूने लाहौर अपने पुराने घर आए। ये मेरा घर था, मैं अंदरून शहर की रहने वाली थी, एक कमरा था, इधर मैं पैदा हुई। मेरा जो बेसिक जो तल्लक था बहुत गरीब घर के से था, मैं रक्षे पे आती थी और रक्षे पर ठेठड़ जाती थी। मैं अपना कल नहीं भूलना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपना पुराना घर ज़रूर दिखाऊंगी। क्या बाकी आर्टिस्ट अपना माजी भूल चुकी हैं? मेरे हाल में काफ़ी लोग भूल चुके हैं, मगर मैं भूलना चाहती। छुपाती हैं वो? बहुत छुपाती हैं, मगर मैं नहीं छुपाती। न रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। स्टेज एक्ट्रेसेस में दोस्त रखने का भी रिवाज है, क्या आपके भी कुछ दोस्त हैं? ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत वो बहुत हूँ, मेरे कहने का मतलब हाँ है। बहुत से लोग आप पर मरते भी होंगे और अपने इश्क का इजहार भी करते होंगे। काफ़ी लोग हो जाते हैं, ड्रामा देखने आते हैं, फोन में बात ज़्यादा बहुत होती है, कभी उनसे मिली नहीं। मर्दों में क्या चीज़ अच्छी लगती है, मूछें, सफ़ेद रंग या लंबा कद? मुझे तो गंदमी रंग मर्द में पसंद है, और लंबी हाइट, और मुझे इतने लोफर स्टाइल के लोग पसंद नहीं है। अक्सर अदाकाराएं अपनी उम्र छुपाती हैं, आप नरगस्तेदार खुशबू से बड़ी हैं
या उम्र में छोटी? ये मेरी सीनियर है, ये मेरी बड़ी है और मैं इनसे छोटी हूँ। दुनिया देखती है कौन छोटा है बड़ा, मैं नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं किसी की दिलदारी नहीं करना चाहती। साथी फनकाराओं में से कौन अच्छी लगती है? खुशबू बहुत अच्छी है, मेरी फ्रेंड है आफरी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये वो बहुत अच्छी है। मेरी बहन है क्या है छोटी, वो बहुत अच्छी डांसर है और इदा है, मैं उसकी खुद बहुत फैन हूँ। ये महंगी तरीन गाड़ी जी जी और बहुत अच्छा घर जी जी जी, ऐसा लगता है कि आपके जराए आमदनी और भी हैं। काफ़ी लोग फेक चीज़ें दिखाते हैं, घर दिखा दिया, गाड़ी दिखा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। फेक से क्या मुराद है, उनके अपने नहीं होते? जी नहीं, हर चीज़ कई आपके इंटरव्यू में मैंने देखा है, कुछ चीज़ें लोगों ने सच्ची दिखाई हैं, कुछ अपना नाम बनाने के लिए, आगे आने के लिए घर गाड़ी रेंट पर हर चीज़ दिखाने से ऐसे इंसान के पास जो हो ना, इंसान को वही चीज़ दिखानी चाहिए। हर चीज़ झूठी दिखाने को, दुनिया को धोखा देने के लिए का मतलब है अपने आप को धोखा देना। ये गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी है, घर भी मेरा अपना है, कोई चीज़ रेंट पर मैंने नहीं दिखाई। क्या आपको कभी किसी से जान तोड़ दिल सोज इश्क हुआ? मैं भी लड़की हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। हो चुका कि होना है अभी? आजकल है। आजकल है। क्या जिससे प्यार करती हैं उसी से शादी हो जाएगी? कुछ साल आजमाऊंगी, वो मेरे मियार में पूरा उतरेगा तो मैं शादी। क्या मियार है आपका? मुझे कभी भी किसी चीज़ के बारे में ताना ना दे कि तुम स्टेज वाली हो, तुम शोबिज़ की हो, ये चीज़ें ना मुझे कोई कहे और मुझे ये अपनी बीवी समझे। लोग कहते हैं कि स्टेज अदाकाराओं के बयक वक्त एक नहीं दो दो तीन तीन इश्क चल रहे होते हैं। मुझे इन चीज़ों से नहीं है, मैं बर वक्त एक इश्क करती हूँ, हज़ारों इश्कों में पढ़ने वालों में से नहीं हूँ मैं। जब मैं मेरे एक ही दोस्त है, ज़्यादा नहीं है। इकबाल टाउन में बुटीक से कपड़े खरीदने पहुँचे। मुझे मेरी खाला बहुत पसंद है, ठीक है, और वो एक बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर आप उनकी कोई बुरी बात पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि मुझे उनका गुस्सा बहुत बुरा लगता है। गुस्से में आकर ऊंचा ऊंचा बोलती हैं, डांटती हैं बस, और कुछ भी नहीं करती। साथी फनकारों के साथ पार्टी की। एबट रोड पर वाकया थिएटर पहुंचे। जो इसके साथ मेरा रिश्ता है ना, वो एक बहन भाई का है। ये फील्ड में जब आई है, सबसे पहला ड्रामा इसने मेरे साथ किया है फैसलाबाद में, तो ये रिश्ता उसी दिन से इसके साथ मेरा है। बाकी आर्ट्स तो बहुत अच्छी है, दूसरा इंसान, ये दिल की बहुत अच्छी है। और इसमें एक जो सबसे जो बड़ी बात है ना, जो इसके जो बात इसको अच्छी नहीं लगती ना, वो ये मुंह पे कह देती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। रात गए घर वापस आए।
में बनने और सवरने का शौक है। रोलेक्स की बेशकीमत घड़ी, सोने के जेवरात और फिर 1,00,000 रुपए का ये ड्रेस, क्या ये सब कुछ तोहफे में मिला है या खुद खरीदती हैं? हाँ जी, मैं खुद अफोर्ड करती हूँ। लोग कीमती तोहफे ऑफर तो करते होंगे। नहीं, इतने महंगे मुझे तो नहीं आज तक मिले। बेशतर लाहौरियों की तरह रेक और डे बोलती हैं, सही मकालमे बोलने में मुश्किल तो पेश आती होगी। अंदरून शहर की रहने वाली हूँ ना, रे मेरी अड़ती है, जो मर्जी कर लूँ ये नहीं जाती। आपकी मुखालिफ अदाकाराएं इल्ज़ाम लगाती हैं कि आपकी बदमाशों से दोस्ती है, क्या आपको जेंट्री में कोई पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, मेरी कोई बदमाशों से दोस्ती नहीं, शरीफ लोगों से ही दोस्ती है। शोबिज़ है ना, शोबिज़ में तो इल्ज़ाम ही लगते हैं। एक ज़माने में लाहौर के स्टेज पर अदाकारा नरगस का बड़ा खड़का धड़का था, हत्ता के गुंडागर्दी तक चलती थी। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने जोरावरी से अदाकारा नरगस की छुट्टी ही करा दी। शोबिज़ है, इसमें अनबन होती रहती है, बड़ी स्टारों से भी छोटी से भी, ये काम ही ऐसा है। इन कामों में मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आई है, कभी गाने बंद करवा दिए जाते थे, कभी कुछ भी करवाया जाता था, फिर भी सब्र से काम लेती हूँ मैं। एक ज़माने में आपकी और अदाकारा नरगस की अनबन तो हो गई थी और आपने एक दूसरे के खिलाफ बदमाशों की मदद तो ली थी। थोड़ी सी अनबन हुई थी, गुस्सा मुझे भी आया था, उनको भी आया था, मगर बाद में सुलह हो गई थी। कभी किसी बदमाश से किसी से हेल्प नहीं ली। बोलचाल है आपकी? नहीं नहीं है मेरी उनसे कोई, ना दीदार से ना वो। अच्छी दीदार की शादी भी हुई है, मैं नहीं गई। अक्सर जूनियर अदाकाराओं पर बरस पड़ती हैं, आपका गुस्सा इतना तेज क्यों है? जो लोग अपने आप में कुछ बनते हैं ना, मुझे वो लोग पसंद नहीं है। वो कौन है? जो भी है, पहले मेहनत करे, आगे आए, फिर नखरा करता भी इंसान अच्छा लगता है। नरगस नखरा करे वो तो माना जाता है, दीदार नखरा करे वो माना जाता है, जो कुछ भी ना हो तो वो नखरा करे तो उसको जेब नहीं देता। क्या ये सच है कि लोग स्टेज ड्रामे रक्स और फौज मुकालमों की वजह से देखते हैं? हाँ, डांसेस और अदाकारी भी लाइक करते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जब पहले वल्गर चलता था, अब वल्गर पब्लिक लाइक नहीं करती। आपके ख्याल में आजकल की स्टेज डांसर्स में नंबर वन कौन है, आप, महनूर, दीदार या फिर खुशबू? मैं अपने मुँह मियाँ मीठू नहीं बनना चाहती, ये तो पब्लिक की डिमांड हो कौन नंबर वन है और कौन नहीं है। मेरे ख्याल में सभी नंबर वन है जो आजकल का दौर चल रहा है। आज बता ही दें, आपके दिल का राजा है कौन, कोई पहलवान या फिर बासर सियासतदान? नहीं, मेरे दिल का राजा तो पहलवान ही हो सकता है, सियासतदान नहीं हो सकता। पहले शुरुआत मैंने गेट टुगेदर फंक्शन की है, इसे आम जुबान में मुजरा ही कहते हैं, जो भी है, मगर वो भी मेहनत का काम है। बदनाम नहीं होगे तो नाम ही होगा। मेरे दिल का राजा तो पहलवान ही हो सकता है, सियासतदान नहीं हो सकता।